अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनाज सिद्दीकी है। मैं क्वींसकर हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारा 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और हमारी स्पेशलिटी बेसिकली पीडियाट्रिक है एंड मटर्निटी है। हमारा 10 बेड का NICU भी है जो काफ़ी बेहतरीन है। उसमें 24/7 डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। हमने अभी हाल ही में 800 ग्राम बच्चे को एकदम सक्सेसफुली मैनेज करके घर भेजा। हमारे पास NICU में बेहतरीन मशीनें हैं, लाइक प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए हमारे पास इनक्यूबेटर्स हैं। हमारी OT की जो मशीनें हैं वो काफ़ी लेटेस्ट है और हमारी OT में हर तरह की सर्जरी आप करवा सकते हो और हमारी जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी बेहतरीन है विद अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ। थैंक यू। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज सुबह सुबह मुमरा के देवरीपाड़ा में एक होलसेल की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। ये आग फैजान सैयद मलिक के जनरल स्टोर में लगी है, जिसमें चॉकलेट, बिस्किट और अन्य होलसेल की ये दुकान थी। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की काफ़ी कोशिश की और साथ ही दमकल विभाग को आग की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है ऐसा बताया जा रहा है, जबकि इस आग की घटना में किसी भी तरह की कोई जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई। भाई क्या नाम है आपका? आफ्ताब सैयद। आफ्ताब सैयद, आफ्ताब भाई, ये जो दुकान में आग लगी है किस जगह लगी है और ये दुकान किसकी है? ये दुकान मेरी है भाई, और ये श्रीलंका अस्मत चौक ज्ञान बाग रोड से। श्रीलंका अस्मत चौक ज्ञान बाग। अच्छा, ये दुकान किसकी है? ये दुकान मेरी है। किस चीज़ की दुकान की है? परचून की दुकान की, होलसेल की किराना की दुकान। परचून की, होलसेल की? होलसेल की। अच्छा, ये कैसे लगी और कितने बजे लगी? ये मैं तो सो रहा था सुबह में, साढ़े छः सात बजे के टाइम पे लगी। लाइट जब आई इलेक्ट्रिक की वजह से मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, लाइट जाने आने के कारण शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। तकरीबन कितने का माल जला होगा आपका, ये कितने का नुकसान हुआ होगा? अभी आइडिया नहीं है, फिर भी अंदाजा एक 20-30 लाख रुपये नुकसान हुआ है। मोहसिन भाई, आप अपने कहा कि जैसे आप यहाँ मौजूद थे जब आग लगी, तो कैसा पूरा मामला रहा और क्या कहना चाहिए? लाइट चले गई और अचानक लाइट आने के बाद में शायद कि अंदर स्पार्क हो गया। पहले अंदर का धुआं निकलने लगा, 7:30-7:30 की बात ही है। और जब हम लोग पहुँचे शटर के जैसे थोड़े अंदर को पूरी तरीके से आग लगी, फायर ब्रिगेड आने से पहले जब लोगों ने बहुत कोशिश किया, लोगों ने साथ दिया यहाँ पे, यहाँ के स्थानीय लोग कोई आग को हम लोग कंट्रोल कर नहीं पाए। फिर अलहमदुल्ला टाइम पर फायर ब्रिगेड आने की वजह से बिल्डिंग बच गई, वरना पहले हमारे तक तो आग चली गई। अलहमदुल्ला भी अब तक कंट्रोल में। शॉर्ट सर्किट के कारण नहीं लगी ये लाइट गई थी। लाइट आने के बाद में जो हमारे बिल्डिंग के वॉचमैन है, इन्होंने आके जगाया हमें, ये लाइट आई और अचानक अंदर आग लग गई। लाइट गई थी, लाइट आई और अचानक आग। तो मोहसिन भाई, आपको नहीं लगता है कि ये मुमरा में टोरेंट आने से काफ़ी ज़्यादा ही आग लगती जा रही है दुकानों में, घरों में? टोरेंट क्या बोलेंगे इस बारे में, अब आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से। शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, पहले MCB थी है उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं था। MCB ऐसा नहीं है, ये बस इतफाक हादसा था एक, इसमें किसी भी ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो टोरेंट हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे बेचारा दुकान वाला हो। ये हादसा था, होना था, होनी थी।